यस्यानन्दतरङ्ग शिखरसमास्वादेन देवासमे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मुदान्वित सतये सहि सद्गुरुरभिजयते कारुणलीलाधरो हंसानामनिजलोकतः सुखकरो बुधिन्दुरतनाकरः बुधिन्दुरतनाकरः समस्त प्राणियों के कमल रूपी हृदय देश में विद्यमान सत्य पुरुष परमात्मा विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब एवं इस मंसूरपुर ग्राम के पावन धरती पर गुजरात से आए हुए पूज्यवर संत गुरुभूषण साहब जी परम वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज भक्ति एवं श्रद्धाओं से आच्छादित समस्त देवी देवताओं सम्माननीय विद्वतजन आदरणीय मंसूरपुर ग्राम के समस्त ग्राम निवासी आज जहां पर हम लोग उपस्थित हैं यह सदगुरु कबीर का सैद्धांतिक और वैचारिक मंच है। इसीलिए थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा कि सदगुरु कबीर का सिद्धांत क्या था और विचार क्या था। सिद्धांत आभ्यंतरित है, विचार व्यवहारिक है, इसलिए मैंने उभय शब्द का प्रयोग किया हूं। सदगुरु कबीर का मूल ग्रंथ बीजक और बीजक ग्रंथ को अध्ययन करना सभी के लिए अनिवार्य है। यदि सदगुरु कबीर के सिद्धांत और विचार को जानना चाहते हैं तो बीजक को देखना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा और अध्ययन न करने के कारण, स्वाध्याय न करने के कारण आज प्रायः कॉलेज और यूनिवर्सिटी से सदगुरु कबीर के प्रति लेक्चरर और प्रोफेसर प्रलाप करते हैं। वे कहते हैं कि सदगुरु कबीर पढ़े लिखे नहीं, वे कहते हैं कि वे अशिक्षित, लेकिन ऐसे प्रमादवादियों से मैं कहना चाहता हूं यदि आप व्याकरण नहीं पढ़े हैं, साहित्य दर्शन नहीं पढ़े हैं, आप यदि उपनिषद नहीं पढ़े हैं तो सदगुरु कबीर के बीजक का अर्थ आप नहीं कर सकते। क्योंकि सदगुरु कबीर के बीजक के अर्थ करने के लिए हमें शब्द शक्ति की महती आवश्यकता है। शब्द की तीन शक्तियां हैं, लक्षणा, व्यंजना और अविधा। यदि हम तीन का प्रयोग नहीं करेंगे तो सदगुरु कबीर के जो बीजक ग्रंथ है उसको पूर्णांश अर्थ हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें उस पर अध्ययन करना होगा। सदगुरु कबीर
का सिद्धांत जो है वह प्रत्यक्ष है। संसार के ये जितने भी महापुरुष हुए हैं मैं उनको आदर करता हूं शास्त्रानुसार। पृथिव्याम संति यो धर्मा माया सर्वेश मादृता। ये पृथ्वी पर जितने भी महापुरुष हैं सब आदरणीय हैं, परंतु सदगुरु कबीर जो है ये सबसे अलग अपना पहचान बताते हैं। और महापुरुषों ने अपनी बात को मनवाने का आग्रह दुराग्रह दोनों किए। हमारे वेद को नहीं मानेगा तो शुगर होगा कुकर होगा, हमारे रामायण को न मानेगा कुरान को नहीं मानेगा तो क्या क्या होगा। इन लोगों ने आग्रह और दुराग्रह दोनों किए, परंतु सदगुरु कबीर ने आमंत्रित करते हैं विचार करने के लिए। वे कहते हैं परख लेहु खरा खोट हो रमैया राम। हे रमैया राम, हे आत्मज्ञानियों, ये संसार में खरा क्या है और खोट क्या है, सत क्या है असत क्या है, इसको पहचानो। आदरणीय सभी महापुरुष हैं, परंतु उनका ग्रंथ आदरणीय नहीं है। यदि हम ग्रंथ को आदरणीय मान लेते हैं तो हम अशिक्षित हैं। जब तक उस पर हम अध्ययन नहीं करते हैं, मनन चिंतन नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन का दो लक्ष्य होना चाहिए, एक सेवा और दूसरी साधना। सेवा से हमें पारिवारिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, राष्ट्र का कल्याण और साधना से आत्म कल्याण की आवश्यकता है। इसीलिए चाहे आप विरक्त में रहिए या गृहस्थ में रहिए, ये दो की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब ने काशी के पावन धरती पर संवत 1456 और ईस्वी सन 1398 में जब आए तो उस समय में काशी और मुल्लाओं का बहुत बड़ा मतभेद था हिंदू और ईसाई। और आज भी हमारे बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं कि हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, हिंदू धर्म नहीं और मुसलमान भी धर्म नहीं। ये सब के सब संप्रदाय है, ईसाई संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय है, मुसलमानों का संप्रदाय है, सिख का संप्रदाय है। धर्म यदि है तो धर्म की दो परिभाषा शाब्दिक और रूढ़िवादी है। तो रूढ़ी में कहें तो सनातन है और यदि शाब्दिक कहें तो दया। दया धर्म का मूल है, पाप रूप अभिमान। इसीलिए समस्त धर्मों का जो मूल है वह है जीव पर दया का। इसीलिए सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है जीव दया अरु आत्म पूजा सदगुरु देव और नहीं दूजा, ये मौलिकता। सदगुरु कबीर जब काशी में आए सारे शास्त्र पर अध्ययन करते हैं। यदि उनको हम बीजक को देखें तो जहां जहां यत्र यत्र वेद में रूढ़िवादी विचारधारा है, जहां पर मानवता का हनन है, उसका उत्तर सदगुरु कबीर ने बीजक में दिया है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने वेद का भी खंडन किया है और वेदवादी जो विचारधारा है अच्छाई को उन्होंने समर्थन किया,
जो मानवता का विरोधी है उसको उन्होंने खंडन किया। और भी महापुरुष हैं, बृहस्पति हैं, ये लोग भी कृष्ण ने गीता में खंडन किए हैं। यदि हम गीता पर अध्ययन करें, धर्म की यदि बात करें, तो जो भी गीता के अध्ययन करता है वो गीता में हिंदू धर्म का कहीं शब्द ही नहीं है कि हिंदू कोई धर्म है। गीता के अनुसार धर्म है सनातन। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम सत्यम च नानृतम एषा धर्म सनातन। सनातन धर्म की परिभाषा। तो सदगुरु कभी जब काशी में आए तो काशी के विचित्रता और ग्रंथ की विचित्रता उन्होंने देखी। उन्होंने ग्रंथ में देखा, आप लोग भी उसका अध्ययन कर सकते हैं, स्कंद पुराण, उसमें काशी एक खंड है। काशी खंड में आया है कश्याम मरण्याम मुक्ति पंच क्रोशे। काशी में यदि मरता है तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। विश्वनाथ मंदिर से 5 क्रोश के दूरी के अंदर में जो कोई भी मरता है, प्राण का परित्याग करता है, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। मगहर मरण्याम गर्धवा जाता है, और मगहर में मरने से गधा हो, अर्थात काशी के 5 कोश के भिन्न में यदि अन्यत्र मरते हैं तो सब के सब गधा हो। सदगुरु कबीर ने इस पर अध्ययन किया, उनका वेद में संपूर्ण मिलता है। मगहर मरे सो गधा हुए, भल प्रतीत राम से हुए। का काशी का मगहर उसर, जो पर हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तन तजय शरीरा, तो कहू राम की कौन निहोरा। सदगुरु कबीर कर्म योगी थे। सदगुरु कबीर साधना और शुभ कर्म की प्रधानता देते हैं। पंडित जो है वह काशी की और कुकर्म की प्रधानता देते हैं। उनका कहना है कि काशी में मरने वाले चाहे करोड़ों कुकर्म करे, लेकिन केवल काशी में मर जाए तो मुक्ति हो जाएगी। सदगुरु कबीर इसको स्वीकार नहीं करते। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मैं मरने के लिए मगहर ही चलूंगा, और मगहर के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। जब प्रस्थान किया तो सारे पंडितों ने सदगुरु कबीर के समीप जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव आप काशी का परित्याग न कीजिए, आप यदि जाते हैं तो काशी का अपमान होगा, और हमारे और आप में सिद्धांत का कोई भिन्नता भी तो नहीं है। आप भी राम को मानते हैं, हम भी राम को मानते हैं, आप भी देवता कहते हैं, हम भी देवता कहते हैं, तो फिर हमारे आप में भिन्नता कैसे। तब सदगुरु कबीर ने कहा, तोर मोर मनुआ एक कैसे होइगे, हमारी और तुम्हारी मान्यता एक कैसे होगी। मैं कहता आंखों की देखे, तू कहता कागज की ले। तोर मोर मनुआ एक कैसे होई रे, मैं कहता सुलझावन हारा, तू जाता उलझाई रे। मैं सुलझने की बात कहता हूं, आ तुम भगवान भगवती देवी में समाज को उलझा रहे हो। मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोहरे। तोर मोर मनुआ एक कैसे होई, हमारी और आपकी मान्यता एक कैसे हो। मैं कहता प्रत्यक्ष और तू कहते हो परोक्ष, तुम्हारे कथा से कपूतों का जन्म होता है। ये जितने भी कथाकार हैं इनका कहना है कि मरने के बाद स्वर्ग होता है। जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक बेटा के पास
गुटखा खाने के लिए रुपया है, लेकिन माता पिता को एक मिठाई खिलाने के लिए पैसा नहीं है। पुत्र के पास ताश खेलने का समय है, लेकिन वृद्ध माता से यह पूछने का समय नहीं है कि भोजन किए हो कि न किए हो। वृद्ध माता के दूध देने के लिए पैसा नहीं है, परंतु शराब पीने के लिए पैसा है। और इनका संस्कार का जन्म होता है कथा से, मरने के बाद। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे गही प्रतीत किन जिन जास सोई कहां यमरे। जो कछु कियहु ज्ञान अज्ञाना सोई समझ स्याना, कहीं कबीर तासो का कहियो जो देखत दृष्टि भुलाना। देख रहा है कि पुत्र के और बहू के दुर्व्यवहार से माता पिता के शरीर का जो वजन 60 किलो था वो घट करके 40 किलो हो गया। ये 20 किलो मांस किसने खाया, कहां के कसैया है? और जब माता पिता मर गए तो ये माता पिता के मांस खाने वाले और उधर धोखा देने वाले लाल चंदन जनेऊ और टीकी वो मुर्गा खोर के यहां चला कि हमारे माता पिताजी को उद्धार कर दीजिए। उद्धार कराने के लिए उसने कहा कि पिंड दान करो, और यदि अशिक्षित व्यक्ति भूल करे तो करे। ये शिक्षित लोग भी भूल कर रहे हैं। अरे शास्त्र पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। पिंड का ये अर्थ थोड़े है कि चावल के पीस करके आटा को और पुठा बना दो, ये पिंड नहीं है। शास्त्रानुसार पंच तत्व मिश्रणम पिंड जाता है। ये पांच तत्व से जो समृद्ध शरीर है ये पिंड है, इसीलिए पिंडात जायते पिंड जाए। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा, रंग रहिते रंग उपजे सब रंग देख हुए, कौन रंग है जीव का ताकर करहु विवेक। रंग ही थे, मनुष्य से मनुष्य का जन्म होता है, गाय से गाय का जन्म होता है। रंग ही ते रंग उपजे सब रंग देख हुए, कौन रंग है जीव, जीव का क्या रंग, ताकर करो विवेक, उसका विवेक करो। और सदगुरु कबीर की विशेषता है कि प्रश्न और उसका उत्तर भी उसी जगह दे देते हैं। जागृत रूपी जीव है, जीव का स्वरूप है जागृत। नचिकेत यम ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता, इस संसार के प्रपंच और मोह से ऊपर उठो। तो सदगुरुदेव कहते हैं जीव का क्या स्वरूप है, जागृत रूपी जीव है। शब्द सुहागा श्वेत, कितना निर्मल, लेकिन हम इसको मलिन कर लिए जाति में बांध करके, संप्रदाय में बांध करके, बुरी आदत में बांध करके, दिन प्रतिदिन इसको हम मलिन ही करते चले। आज जहां तक ये देवता की परिभाषा लोग करना चाहते हैं, अबे जब कोई शब्द का अर्थ ना लगता हो तो हमें उसको संधि विच्छेद करना चाहिए। देवता का अर्थ है, यदि ऋग्वेद के अनुसार देखें तो उसका है दद्यात् द्वैतनात् द्वैत इति देवता। जो हमें देता है, बताता है और हमारे जीवन को आलोकित प्रकाशित करता है वो हमारे देवता है। अभी यदि इस अर्थ को देखें तो सबसे पहले प्राथमिकता दिया गया है मातृ पितृ देवो भव। हम लोगों का जन्म 33 करोड़ देवता से नहीं हुआ है। हम लोग का जन्म
ये ब्रह्मा विष्णु शिव से नहीं हुआ। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबका जन्म माता पिता से हुआ है। इसलिए वेद ऋषि ने कहा कि मातृ पितृ देवो भव। आज हमारी समाज की वो दुर्दशा है कि अशिक्षित व्यक्ति कहे तो कहे, ये शिक्षित व्यक्ति आधा किलो के पत्थर रख लेते हैं, एक कागज के समीप में ऐसे गिर गिराते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्याद्रं तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। ये पत्थर कैसे आपके माता पिता हो सकते हैं? और यही संस्कार डाल डाल करके आज भारत की वो दुर्दशा हो गई है कि देवता को तो भूल ही गया। इसलिए सद्गुरु कबीर ने भी प्रमतीशी में कहा है, जेहि सिर जाते ही नहीं पहचाने, जिसने हमें जन्म दिया उस देवता को हम नहीं पहचाने। और कहते हैं कि ब्रह्मा मेरा देवता है, विष्णु मेरा देवता है, शिव मेरा देवता है, ये सब हमारे देवता हैं। कैसे हमारे देवता हैं? सरस्वती की देवता ब्रह्मा है, लक्ष्मी का देवता विष्णु है, पार्वती का देवता शिव है, राम का देवता दशरथ है, कृष्ण का देवता देवकी और वसुदेव है, आपका देवता कौन है? इनको पहचान, लेकिन हम उनको नहीं पहचान, हम भटक गए। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जहि सिर जाते ही नहीं पहचान। सदगुरु देव कहते हैं कि सपूत जो होता है वो अपने माता पिता को जीते जीवित अवस्था में स्वर्ग इस पृथ्वी पर उतारता है। कपूत जो होता है वो मरने के बाद स्वर्ग पहुंचाता है। दोनों में भिन्नता। और सदगुरुदेव ने कहा, प्रथम स्वर्ग कंचन काया, दूसर स्वर्ग घर में माया, तेसर स्वर्ग ज्यों पति प्रत नारी, चौथे स्वर्ग ज्यों पुत्र यज्ञकारी। सद्गुरुदेव कहते हैं ये चतुष प्रकार स्वर्ग अत्रै एव अस्ति, यही पर। लेकिन हम ऐसा नहीं, जब माता पिता मर गए तब चले पिंड दान करने के लिए, और जहां पूछने गए उसने हमें भ्रम में डाल दिया। जब तक माता पिता जीवित रहे नहीं पूछ पाए कि आप भोजन किए कि नहीं, ठंडी के समय में आपको रजाई कंबल है कि नहीं, आप नमकीन खाओगे कि मीठा खाओगे, क्या खाओगे, ऐसा नहीं पूछा। और जब मर गए तब चले उनसे पूछने के लिए, अब उसने क्या किया, हमसे पिंड दान करवाया। और वो पिंड दान जो किया, कहा कि ये 13 दिन वहां भूखे हुए हैं, उनके लिए पलंग दो, गद्दा दो, रजाई दो, वो सभी व्यवस्था किए, दही चूरा की व्यवस्था किए। तो ये पिंड जो दान किए, अत्रिमुनि गोत्रस्य प्रेत जातः, अब तो प्रेत हुए, पिंड दान किए, इधर आए, चार पैर वाला कुत्ता लेकर के साफ कर दिया। माता पिता के क्या हाथ लगे? ये पलंग और दही चूरा जो सब रखा हुआ था, ये दो पैर वाला कुत्ता साफ कर दिया। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने वैदिक पर खंडन किया है, अंध सो दर्पण वेद पुराना, अंधा दर्पण, अंधस्य दर्पण वेद पुराण। ये वेद और पुराण के जो प्रमाण मानने वाले हैं वो अंधा है। बृहस्पति ने इस पर खंडन किया, वेद प्रमाणम कश्चित कत्रिवाद। उन्होंने कहा जो वेद को जो प्रमाण मानता है वह मलिन बुद्धि का, क्योंकि विवेक प्रधान है, आत्मज्ञान प्रधान है। शास्त्र यदि वेद को देखा जाए, कोई पुराण को देखा जाए, तो भिन्न भिन्न का सबका मत है, इसीलिए कोई शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता।
इसलिए सदगुरुदेव ने कहा कि करह विचार जो शब्द उपजाए, अर्थात सदगुरु कबीर कहते हैं कि स्वर्ग जो है वह प्रत्यक्ष परोक्ष में नहीं, हमारा जो ज्ञान होना चाहिए। देवता जो है, देवता का अर्थ होता है जो हमें देता है और बताता है। तो जो हमें जन्म दिए वो प्रथम देवता है। आचार्य गुरु देवो भवा, अतिथि देवो भवा। अतिथि में नयन समास है, न तिथि अतिथि। जैसे हमारे गांव के कोई भी जाति के लोग हमारे द्वार पर आ गए तो उनको एक गिलास पानी दो, उनके साथ मधुर व्यवहार करो, उनसे जाति ना पूछो कि आप किस जाति के हैं, ये पूछिए कि आपको प्यास लगी है पानी पीजिए, भूख लगी है तो भोजन कीजिए, भूखे के भोजन प्यासे के पानी, नंगे को चीर इतना बांटे सत कर। लेकिन पंडितों ने कहा कि यदि सुबह पहर तेली मिल जाए तो उसको पटक करके दांत देखो ना तो जतरा बिगड़ जाए। हमारा शास्त्र कहता है कि ये सब देवता हैं। वो कहता है कि तेली के देखने से जतरा बिगड़ जाएगा, यदि अपने से हंसते तो ठीक है, दांत निपोर दे उसका, दांत देख ले तो छोड़ दो, और ना हंसे तो उसको पटक के दांत दे। तेवर माधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कुल कलवा। कैसी विडंबना है समाज में। और ऐसे ग्रंथ को भी लोग कहते हैं कि भगवान के लिखा हुआ, इसीलिए ग्रंथ कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण है व्यक्ति का स्वयं का विवेक। तो सदगुरु कबीर उसको अध्ययन स्मृति पर, भल स्मृति जहड़ा यहू हो रमैया राम, धोखे की यहू विश्वास हो रमैया राम, सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम। सदगुरु कबीर ने रमैया राम कह करके समझा रहे हैं कि क्या तुम स्मृति में भटक गया। त्रैवेदस्य कर्तारौ घाण धूर्त निशाचरः, जर फरी तुर फरी पंडिता नाम वाचस् स्मृति, बृहस्पति ने भी इसका खंडन किया। तो सदगुरु कबीर यहां पर मानव को कहते हैं कि स्वयं स्व का विवेक का प्रयोग करो। आप जब पढ़ाई लिखाई किए हैं तो उसका प्रयोग कीजिए कि क्या पूज्य है क्या अपूज्य है, किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, किम वक्तव्यम किम न वक्तव्यम, किम श्रोतव्यम किम न श्रोतव्यम, किम द्रष्टव्यम किम न द्रष्टव्यम, किम भोक्तव्यम किम न भोक्तव्यम, विचारणीयम विचार करो, विचार जो सब दुख। तो सदगुरु कबीर कहते हैं हे मनुष्य तुम जागो, इस शास्त्र के मोह में, समाज की विडंबना के मोह में ना मानो। मैं अपनी बात वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक समय में जैसे कि हमारे लोग जैसे देवता के विषय में कह दिया, मैया लोग जब भिक्षा ले लेती है तो प्रश्न करती है कि जितिया करें कि ना करें, क्योंकि कितने लोग कहते हैं कि जब कबीर पंथ में आ गए तो जितिया ना करना चाहिए। तो इसीलिए हमसे लोग पूछते हैं। मैंने कहा कि पहले जितिया शब्द के समझते हो कि केवल बोलते हो। एक समय में एक सोहन नामक धोबी तो दो काम करता था, एक चौकीदार का भी काम करता था और गदहा के द्वारा कपड़ा भी धोता था। समझोगे हुआ कि धोबी का नाम सोहन था, गधा का नाम मोहन। कुछ दिन के बाद गधा मर गया तो ये धोबी पुत्रवत उसको मानता था, अपना मुंडन करा लिया, बालू साफ करा के थाना में गया। पुलिस ने पूछा कि क्या बात है भाई, तो मुंडन काहे कराए, कहा कि मेरा मोहन मर गया है।
हाँ वो तुम्हारा मोहन मर गया तब तो शोकाकुल का अवसर है, हम लोग को भी माँ बाल मुड़वा लेना चाहिए। तो कल हो करके सब चौकीदार और पुलिस बाल मुड़वा करके आए। हवलदार देखा, कहा कि भाई आप लोग काहे एक बाल मुंडन करा दिया। कहा कि क्या कहूं महाराज, मोहन सोहन का मोहन मर गया है, इसीलिए बाल मुड़वा लिए। हाँ तब तो हमें भी मुड़वा लेना चाहिए, अबे पुलिस भी मुंडन करवा। दरोगा कल होकर के पूछा कि आप लोग मुंडन क्यों करा लिए हो। कहा कि मोहन सोहन का मोहन मर गया। दरोगा जी भी साफ करवा। इंस्पेक्टर आया, पूछा कि भाई आप सभी स्टाफ जो है मुंडन करा लिए, क्या कारण है। तब उसने कहा कि सोहन मोहन का सोहन का मोहन मर गया। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि मोहन और सोहन में क्या संबंध है। सोहन और मोहन जो था ये दोनों में संबंध क्या था। दरोगा जी कहते हैं अरे पुलिस यहाँ संबंध क्या था। अब दरोगा जी के तो हालत खराब, पुलिस से पूछा गया। पुलिस कहा कि महाराज ये बात तो हम भी नहीं पूछे। कहा चाहिए सारा दोष हवलदार का है। हवलदार यहाँ चलो, हम लोग के जो मुंडन करवा दिया सोहन और मोहन में क्या संबंध था। हवलदार कहा कि हमको भी मालूम नहीं। अरे बड़ी गड़बड़ बात है। तब कहा कि जे सोहन को बोला, सोहन को बुलाया गया, पूछा कि कहा भाई सोहन मोहन कौन था। कहा कि हुजूर हमारा गधा था। अब गधा के कारण सब लोग बाल छिलवा लिए। उसी श्रेणी में हम लोग विचार नहीं किए और ना करने के कारण आज अशिक्षित व्यक्ति, यदि भटकते हो तो भटकते हो, शिक्षित भी भटक रहे हैं कि परमात्मा को आकाश में खोज रहे हैं, पूरब में खोज रहे हैं, पश्चिम में खोज रहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कर दीपक लिए कूप पड़े। हाथ में दीपक है लेकिन गड्ढा में फटाक से गिर रहा है। क्यों? जब दीपक है तो उसका प्रयोग आप क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि हम प्रयोग नहीं करते हैं। व्याकरण में 22 उपसर्ग है, प्र प्र अप सम अनु अव निश निर दुस दूर वी आम नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति इति प्रादयः क्रिया योग्य उपसर्गः। तो जैसे आत्मा तो सब में है, लेकिन हम जब दुष्ट लगा देते हैं तो होता है दुष्ट आत्मा। जब शुद्ध लगाते हैं तो शुद्ध आत्मा। जब महान लगा देते हैं तो महात्मा। उसी तरह से जब हम परम शब्द को लगा दिए तो परमश्चाशौ आत्मा परमात्मा। यदि आत्मा को हटा दीजिए तो परमात्मा कहां घटित होगा। अब हम लोग जब शिक्षित हैं तो विशेष और विशेषण का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हमारे जीवन का दो आधार मौलिक सिद्धांत मूलभूत होना चाहिए, एक सेवा और एक साधना, स्वाध्याय और संयम। इस पर हमारा जीवन अवलंबित है, इसीलिए चार से उपराम नहीं होना चाहिए, इति नहीं करना चाहिए। फिर कल के सत्र में मैं अपना विचार विशेष विचार रखूंगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहेब की जय।